ऑफिसर लाइक क्वालिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर आप सबका स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हमने ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे 6 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डिस्कस करनी थी। आज हम OLQ नंबर 7 सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फौजी अफसर में बहुत अहम रोल अदा करती है। चलिए सर के जुबानी कहानी के द्वारा समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों एक फौजी अफसर में होनी अनिवार्य है। सर स्वागत है स्टूडियो में, थैंक यू। मुझे पता है सर्विस एंट्री का बैच चल रहा है और आप ACC PCSL SCU कैंडिडेट से घिरे बैठे हुए हैं लेकिन इसके बावजूद टाइम निकाल रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज सर, ऑफिसर लाइक क्वालिटी नंबर 7 सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो सच में बहुत अहम रोल प्ले करती है। कोई भी ऑपरेशंस, कोई भी मिशन, जब तक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तब तक वो पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नाम से ही समझ आता है, बट फिर भी सर आपके जुबानी एक कहानी के द्वारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना चाहते हैं। ओके, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी नंबर 7 वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एबिलिटी जी टू बी अकाउंटेबल फॉर आर एक्शंस, डिसीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है, कि आप अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस और अपने कॉन्सिक्वेंसेस के प्रति जवाबदार हैं। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है, जो कि सुनने में बहुत साधारण सा शब्द है कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, बहुत सारे लोग बोल देते बड़ी आसानी से, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए सर 8D फॉर्मूला बोलते हैं, 8D होते हैं अच्छा जो इसको मिला के पूरा करते हैं। अच्छा, है ना, ओके। और ये 8 सवाल जो है वो हमेशा अपने आप से पूछने चाहिए इंसान को, जब भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर वो आते हैं या वो देखते हैं कि मैं, मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेवल का है। सो यू मस्ट आस्क दीज 8 क्वेश्चंस एंड या फिर 8D जो हैं। पहला डी है सर डिमांड। व्हाट इज डिमांड ऑफ सिचुएशन, आप जहां खड़े हैं जिस काम को कर रहे हैं, व्हाट इज डिमांड ऑफ दिस सिचुएशन, पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरा, व्हाट इज योर ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ सेल्फ टू, कि मैं यहां पर मेरा क्या रोल बनता है, ठीक है, मेरी ड्यूटी क्या है यहां पर, यह दूसरा डी हो गया। तीसरा डी हो गया डिपेंडेबल, क्या मैं एक डिपेंडेबल पर्सन हूं ग्रुप के लिए, क्या मेरे लोग मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ठीक। चौथा डी है डेवलप, अब डेवलप अ प्लान अराउंड इट, क्या काम करना है उसके लिए मुझे एक प्लान बनाना है, ठीक। पांचवा डी है दैट इज डिसिप्लिन, अब प्लान बन गया, जवाबदारी पता है, तो उसके लिए फिर मुझे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं डिसिप्लिन मैनर में, डिसिप्लिन टू मूव फॉरवर्ड, है ना। फिर छठवां डी जो होता है दैट इज डेडिकेशन, डिसिप्लिन है, सब कुछ है, मगर अब वो लगन भी लानी है कि मुझे जो है आगे के लिए चलना है, ठीक है, मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि ये जो काम है उसी एकाग्रता के साथ, उसी लगन के साथ मैं करता रहूंगा, इतना डेडिकेशन होना चाहिए मेरे अंदर। देन नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन, एम आई डिटरमाइंड टू कंप्लीट दिस वर्क, क्या ये काम मेरा पूरा होगा, तो वो डिटर्मिनेशन 7th D। 8th सबसे बड़ी चीज जो कंसिक्वेंसेज उसमें जो आता है डेफिनेशन में, तो वहां पर एक चीज आती है डेयरिंग, कि मेरे अंदर वो साहस होना चाहिए कि इसका अच्छा या बुरा परिणाम, अच्छा तो सब क्रेडिट लेने के लिए खड़े होते हैं, मगर कल को अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो उसकी जवाबदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं। ये जो है बुरे को एक्सेप्ट करना, अपनी जवाबदारी, जीत का कारण अपने आप को बता लेना, ये दुनिया में बहुत लोग करते हैं, बट हार के कारण के लिए अपने आप को जवाबदार ठहराना खुद से, That is daring. और ये जो 8D हैं ये पूरा मिला करके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, ये
एक शब्द में कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए अभिनी सर होता क्या है कि लोग जो है अक्सर जो आपके कंधे पे सितारे लगे हैं ना, लोग उसकी चमक, दुनिया को उसकी चमक दिखाई देती है सिर्फ, है ना? ट्रू, सच बात है। मगर उस सितारे का वजन जो है ना, वो उसी कंधे को मालूम है जिस पे लगा है। दुनिया में हर एक इंसान जो है पासिंग आउट परेड की फोटो देखता है, बड़ा खुश हो जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सैलरी क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुविधाएं क्या मिल रही हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्या क्या बेनिफिट्स सरकार की तरफ से मिल जाते हैं, उसकी पावर क्या होती है, ऐसे तमाम वीडियोस बन जाते हैं। और ये इसलिए बनते हैं क्योंकि लोगों ने चमक देखी है। आप बताइए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जवाबदारी क्या होती है, क्या एक उस जो रैंक्स लगे हैं, जो ऊपर उन्होंने रैंक लगाया हुआ है, उसका वजन, वो वजन सिर्फ उन्हीं को मालूम है। और मजे की बात क्या होती है कि ये जो चीज है कि सितारे का जो वजन होता है ना, ये कभी भी कंधे की ताकत से नहीं उठाया जाता है, ये व्यक्ति को नहीं उठाना है। नहीं तो आप ये सोचे कि हाँ जी ताकत कंधे में होनी चाहिए, तो चलो भाई कल से जिम चले और एक्सरसाइज कर लेंगे, कंधे मजबूत कर लेंगे, हो जाएगा काम, वो काम नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये जो आपके स्टार्स जो लगे हुए हैं, स्टार्स की जो वजन है, ये व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व सहता है, ये व्यक्ति के ताकत पे नहीं, ये व्यक्तित्व के ऊपर सहा जाता है। सही बात। और वो व्यक्तित्व तय कर किया जा रहा है एसएसबी के अंदर, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है ना, वो व्यक्तित्व देख रहा है। ट्रू ट्रू, है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। जैसे हम लोग हर चीज को एक कहानी के तौर पर को रिलेट करते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहानियां बहुत सारी हैं, अनगिनत, फौज जो है वो अनगिनत कहानियों से भरी हुई है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, चाहे वो ब्रिगेडियर उस्मान साहब हो, मेजर सैतान सिंह हो, या पहले परमवीर चक्र विनर मेजर सोमनाथ शर्मा हो, ऐसे सब लोग, बहुत अनगिनत कहानियां हैं। हर ब्रेव स्टोरी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर ब्रेव स्टोरी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और फौजी आपस में देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत फौज में सैक्रिफाइस होता, जब भी सैक्रिफाइस है या जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन आएगा, वहाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन जो मैं सबसे ऊपर जिस व्यक्ति को रखना चाहता हूँ, या जिसका मैं एग्जाम्पल आज देना चाहता हूँ, क्योंकि वो नाम कम सुना होगा लोगों ने, और वो है पमई पिल्ले। अच्छा, कर्नल साहब हैं, कर्नल डीपीके पिल्लई, दिवाकरन पद्म कुमार पिल्लई, ही रिटायर्ड एज कर्नल जी, ही वॉज बॉर्न इन 1967, 1984 में एनडीए ज्वाइन किया था, 72 बैच। अच्छा सर, ओके, ठीक है। और इनके फादर भी मेजर थे। अच्छा, ही वॉज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रोडक्ट जी, राष्ट्रीय आरएमएस बेंगलुरु के प्रोडक्ट थे वो जी, और वहां से एनडीए में आए। एनडीए के बाद ये जो है गार्ड्स में पोस्टेड थे, जब ये मणिपुर में थे, ये इनिशियल तो पोस्टिंग फोर गार्ड में गए थे जी, बट उसके बाद ये एट गार्ड में गए वहां से, और जब ये एट गार्ड में पहुंचे, बाय दैट ही वाज कैप्टन इन आर्मी। और एक ऑपरेशन था मणिपुर में, एक गांव है वहां पर लोंगड़ी पाबरन, ठीक है, वहां पर एनएससीएन के जो टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक कर दिया था, और उसको काउंटर करने के लिए ये पहुंचे थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, मगर बीच में क्या हुआ कि इनको चार गोलियां लगी, दो कंधे पे लगी थी और दो छाती पे लगी इनके। उसके बाद एक टेररिस्ट ने एक ग्रेनेड फेंका, इन्होंने सोचा मैं पैर से ग्रेनेड को वापस कहीं दूर कर सकता हूं, जैसे ही इन्होंने ग्रेनेड पर लात मारी वैसे वो ग्रेनेड फट गया, तो पैर भी गया। अब आप समझिए कि इस ऑफिसर की क्या हालत हुई होगी उस समय, चार गोलियां, है ना, ग्रेनेड फट गया, अबाउट टू डाई कंडीशन में खड़े हैं, इवैक्यूएट किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर आया, मगर उस बीच में इन बहादुर ऑफिसर को यह पता चलता है कि उस गांव के दो छोटे बच्चे, ठीक है, एक था दिंगामांग पमेई और एक 13 साल की बच्ची थी मासेबिली पमेई, इन दोनों को गोली लग चुकी थी और ये भी बड़ी बुरी हालत में थे, ठीक है। बाय रोड अगर उनको ले जाते अस्पताल में तो शायद वो दोनों ना बचते, नहीं बचते।
he talked to his senior authorities, he sacrificed his own things, बोले कि नहीं हम इनको भी लेकर के जाएंगे यहाँ से, और उन दोनों को भी वहाँ से रेस्क्यू किया गया और वहाँ पहुँच करके हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट दिया गया। वो दोनों आज की डेट में जीवित हैं, तीनों रादर, कर्नल साहब भी, कर्नल साहब कैप्टन थे उस समय, कर्नल से रिटायर हुए उस समय। आप सोचिए सर कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि पिल्लई यू गो बैक टू आरएमएस, ठीक है, बेंगलुरु, और वहां के एडम ऑफिसर बनोगे, ठीक है। ये आरएमएस बेंगलुरु के एडम ऑफिसर, मतलब बहुत कम होता है कि उसी स्कूल के एलुमनाई उसी स्कूल के एडम ऑफिसर बन रहे हैं, और ये बच्चों को काफी मोटिवेट किया। उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इन्होंने काम किया, ठीक है, और आजकल बड़े अच्छे काम हैं उनके। बड़े मजे की बात क्या थी अभिनव सर, वो इंसान जो उन बच्चों की चिंता करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये ऑफिसर के लिए भेजा गया, वो हेली वो लिफ्ट करके चले जाएंगे, बट उन्होंने उनकी चिंता दिखाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। सर सर क्या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, डेथ बेड पे है बंदा, डेथ बेड पे है फिर भी देखिए चिंता है दूसरों की। और 27 साल बाद कर्नल साहब वापस उस जगह गए मणिपुर, तो महिला जो मैंने नाम बोला था ना पमई पिल्ले, तो पमई पिल्ले उनको वहाँ के लोग बोलते हैं, उनका निकनेम दिया है वहाँ के लोगों ने, बहुत प्यार मिलता है उस पूरे गांव से उनको। और ये अभी गए उन जो बच्चा है वो आज 33 साल का हो गया, 34वीं में लग गया, ठीक है, 34-35 साल का है, और आप देखिए वो प्राइवेट बैंक में काम करता बेचारा, ठीक है। और बच्ची जो है उसकी भी शादी हो गई, वो भी सेटल्ड है, इतने दिनों बाद फिर याद भी करना, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात है सर, कितनी बेहतरीन तरीके से आपने हम सबको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन समझाया। और कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो हर एक फौजी अफसर में देखने को मिलती है, प्योरली नॉन ट्रेनेबल, इसका कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता इसके साथ, वो सब अंदर से आता है, और ये बड़े आसानी से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में उजागर हो जाता है सभी के अंदर। अच्छा जी, इजीली दिख जाता है, दिख जाता है सर। जीटीओ टेक्निक में दिखता है, सभी में दिखता है, दिखता तो सभी में है, लेकिन जीटीओ में बड़ी जल्दी दिख जाता है, आप बार बार रूल्स तोड़ रहे हो, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो है। क्या बात, ठीक है, इसीलिए मैं कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की सही ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, और SSB की ट्रेनिंग त्रिशूल से अच्छा कहाँ, जहाँ खुद आप जैसे GTO एक्सपर्ट बैठे हैं, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो बैठे हैं, विद द इनॉर्मस एक्सपीरियंस जो आप लोगों के पास है सर, मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स देख के ही आप बता देते हो कि भाई पॉसिबल है या नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के साथ, ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को समझनी जरूरी है, इसके लिए वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप, तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।